हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने घर बेगूसराय, क्योंकि कल से मेरे एग्ज़ाम है पार्ट वन के। मैं रहता हूँ पटना में फॉर स्टडी, एंड मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन बेगूसराय से ही कर रहा हूँ, LLM यूनिवर्सिटी। तो 2:15 की ट्रेन है मेरी पटना जंक्शन से। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो हॉस्टल से पटना जंक्शन जाने में मुझे 15 मिनट लगते हैं, दैट्स व्हाई मैं 1 घंटे पहले ही निकलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बने रहिएगा लास्ट तक इस ब्लॉग में। तो मैं पहुँच गया हूँ पटना जंक्शन, एंड मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2:15 में पटना जंक्शन से खुलती है और बेगूसराय 5:11 में पहुंचती है, बट नॉर्मली ये ट्रेन 40 मिनट लेट रहती है। सो क्योंकि जब मैं 6 में घर जा रहा था तो उस दिन ये ट्रेन 2 घंटे लेट थी। 5:11 में पहुंचती है बेगूसराय, बट उस दिन ये 7:30 में पहुंची थी। सो आई होप आज टाइम से पहुंच जाऊं मैं बेगूसराय। A few moments later. तो मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और ये लगी हुई है ट्रेन। तो मेरा कोच नंबर है D1 और सीट नंबर 65 है। तो चलिए बैठते हैं। ट्रेन खुल चुकी है पटना जंक्शन से, खुलती है राइट टाइम पे 2:15 में। तो अभी कुछ देर पहले मुकामा से निकले हम लोग, एंड अभी ये 15-20 मिनट रुकी हुई थी, एंड देन अभी स्टार्ट हुई है। सो सिमरिया पुल आएगा, एंड देन सिमरिया पुल के बाद आधे घंटे का हॉल्ट है इसका, और फिर ये न्यू बरौनी जंक्शन, और उसके बाद बेगूसराय आएगी। पटना से मुकामा तक ये राइट टाइम पे आती है, बट मोकामा के बाद इसका स्टॉपेज होना शुरू हो जाता है, एंड सिमरिया के बाद इसका फर्स्ट स्टॉपेज होता है, बट मोकामा के बाद ही आज ये 20 मिनट रुक चुकी है। एंड देखिए आगे ये टाइम से जाती है नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिमरिया पुल के बाद इसका आधा घंटे का हॉल्ट होता है, तो देखिए आज कितनी देर रुकती है वहाँ पर। एंड अभी हम लोग आए सिमरिया पुल। सो ये रहा सिमरिया घाट, एंड दोनों तरफ अभी पुल का कंस्ट्रक्शन चालू है। सिमरिया पुल के बाद इसका फर्स्ट हॉल्ट था 30 मिनट का, एंड देन वहाँ ये 15 मिनट ही रुक गया, और न्यू बरौनी जंक्शन से पहले ही फिर से रुक चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ ये रुकेगी बहुत देर तक। 40 मिनट रुकने के बाद पहुंच चुके हैं न्यू बरौनी जंक्शन। अब यहाँ से ये सही जाती है बेगूसराय तक। अब 15 मिनट में हम लोग बेगूसराय पहुंच जाएंगे। सो सभी खड़े हो चुके हैं उतरने के लिए। आज बहुत ही भीड़ था बेगूसराय स्टेशन पे, एंड देख सकते हैं आप उतरने में बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, एंड किसी तरह उतर के मैं बाहर आया हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बेगूसराय, एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 मिनट ट्रेन लेट रहती है रेगुलर डे पे, तो आज भी 40 मिनट लेट ही है। तो मेरे भैया लेने आने वाले हैं मुझे, तो मैंने उन्हें कॉल किया है, उन्होंने बताया कि उन्हें आने में 15 मिनट टाइम लगेगा। सो वेट करने के लिए मुझे, तो मैं बाहर निकल कर उनका वेट करूँगा, एंड देन वो जैसे आते तो हम लोग निकल जाएंगे फिर घर।
तो ये रहा बेगूसराय स्टेशन और ये अपना इंडियन फ्लैग। मैं वेट कर रहा हूँ अपने भैया का बाहर निकल के। तो फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद भैया आ गए एंड देन हम लोग निकल पड़े घर के लिए। एज यू कैन सी कि यहाँ कितना ट्रैफिक है। नॉर्मली शाम के टाइम पे यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही है। तो 40 मिनट ट्रैफिक में वेट करने के बाद हम लोग आ गए समोसा लेने के लिए एंड यहाँ से समोसा लेने फिर निकल रहे हम लोग। फाइनली मिल चुका है समोसा, चलते हैं घर। तो हम निकल चुके हैं अपने घर। तो मार्केट से घर जाने में 15 मिनट लगते हैं। अगर कोई ट्रैफिक ना मिले तो, और अगर ट्रैफिक मिल गया तो आधा घंटा एक घंटा भी लग जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुका हूँ। लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू देन प्लीज डू लाइक एंड ड्रॉप योर कॉमेंट्स। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।